رمضان 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 ये देखें, ये सब पकौड़े हैं, समोसे हैं, चटनियां हैं, ये कबाब है, खजूर है, फ्रूट चाट है, रोटी है, यहाँ पे कीनू भी है। अंदर ज़रा सादा सादा होती है, यहाँ पे आपको बंदी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, कुछ बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे। वाह यार, वाह वाह वाह, ये एनर्जी देंगे आप यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, कामयाबी अदील ब्रदर। ये लो मेरे भाई, ये लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि मस्जिद नबवी में और उसके अतराफ़ में अफ्तार का क्या माहौल होता है, क्योंकि असर की नमाज़ हो चुकी है और अफ्तारी का माहौल बनना शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है मस्जिद गमामा, इसके आस पास भी दस्तरखान लगने शुरू हुए हैं। बहुत ही पुरान और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल होता है रमज़ान में, खुशी से अफ्तार में मस्जिद नबवी का। वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, तो फिर चलें। तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मज़े मज़े की वीडियोस आती रहती हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मस्जिद नबवी है भाई, और मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही ये मस्जिद गमामा बनी हुई है, और इसी के पीछे मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मस्जिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। और इन मसाजिद की भी काफ़ी तारीखी अहमियत है, जो आप गूगल पर भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें आप कि ये पूरा ज़बरदस्त माहौल बनना शुरू हो गया है, यहाँ पर दस्तरखान लगने शुरू हो गए मस्जिद नबवी में। यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं वो यहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं और बड़ी फ़ख्र का बायस समझते हैं लोगों को अपने दस्तरखान पे बिठाना, मेहमान नवाजी करते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के अपने दस्तरखान पे बिठाते हैं। ये देखिए, ये रोटी आई हुई है, दही है, पानी है, खजूरें हैं, इधर भी सारा कुछ सामान रखा हुआ है। अच्छा, मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना, जब वहाँ पे एक सेट पैटर्न है, वहाँ पे एक अफ्तार का बॉक्स होता है जो के ऑफिशियली बनाया जाता है, क्योंकि वो सफाई वगैरह के अतबार से उसको बनाया जाता है, वही सर्व होता है पूरे मस्जिद नबवी में। जब अंदर इनसाइड इंडोर और आउटडोर जब आप आते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो कुछ जूसेस स्नैक्स वगैरह एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं, और जब बाउंड्री से भी आप बाहर आते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा अफ्तारी के अंदर आइटम्स बढ़ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा डिसिप्लिन के लिए सारा सिलसिला किया गया है, इसीलिए हमें अभी देखें यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा लोगों का रश नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अफ्तारी होती है उसके अंदर कभी कभी जो है ना वो मंदी भी होती है, चिकन भी होती है, मुख्तलिफ जो है ना वो लेविश ज़रा आइटम होते हैं। अंदर जो अफ्तार होती है वो ज़रा थोड़ी सादा होती है, सफाई के अतबार से, डिसिप्लिन के अतबार से होती है यहाँ पर, लेकिन आइटम्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ये माशाल्लाह देखें, दस्तरखान लगे हुए हैं, खजूरें जो हैं वो रखी जा रही हैं यहाँ पे इस तरह से, अजवा खजूर, माशाल्लाह। चलें अब ज़रा मस्जिद नबवी के सहन में चलते हैं। माशाल्लाह भाई, ये जो रमज़ान की रौनक है ना, इसकी बात ही अलग है, और अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि लास्ट ईयर भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर आने का मौका फराहम किया और इस साल भी यहाँ पर आया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो जो ये वीडियो देख रहा है उस सबको मदीना और मक्का की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा, ये जो पानी होता है ना, ये जमजम नहीं होता है, जमजम के कूलर्स होते हैं अलग से, आपने देखे होंगे वो ब्राउन कलर के कूलर होते हैं, बेज कलर के, ये नॉर्मल पानी होता है। हदी है तमामी उम्मत के और शरीयत के। सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जज़ाकअल्लाह। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। बताइए इधर की, आप बिल्कुल अरबी लग रहे थे मुझको। माशाल्लाह, आपका आपका सफ़रा ये? अच्छा अच्छा, काम करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारकअल्लाह। मैं बाहर एक पहले लास्ट ईयर किया था, वहीं पे जाके देखते हो, ठीक है? थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। देखिए भाई, इस तरह से जो है ना वो बुला रहे होते हैं, आ जाए हमारे साथ अफ्तार करें, आ जाए हमारे साथ अफ्तार करें, इस तरह से पकड़ पकड़ के लोगों को बुला रहे होते हैं। और ये देखें, ये जो थर्मोस रखे हुए हैं ना, इन थर्मोस के अंदर होता है कहवा, ट्रेडिशनल कहवा होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है वो।
वो भी सर्व किया जाता है। लाखों लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पे ना, लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो इतने डिसिप्लिन से होती है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, इफ्तार भी हो जाती है, सिमट भी जाती है, सब कुछ हो जाता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के फजल व करम के बिना पॉसिबल हो नहीं सकता है। ये गेट नंबर 21 है और वहाँ पे उस कॉर्नर के ऊपर उनका सफ़रा होता है। चेक करता हूँ अभी इब्राहिम भाई से मुलाकात होती है कि नहीं। अब ये बैठे हुए इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक है, माशाल्लाह तबारकल्लाह माशाल्लाह। मैं यही सोचा था कि इब्राहिम भाई है इस साल के नहीं है, लास्ट ईयर तो हमें भी थोड़ा सा मौका मिला था यहाँ खिदमत का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। ये देखें जी, अब यहाँ पे सुफरा लगना शुरू हो रहा है। अभी बजे हैं तकरीबन एक घंटा है अभी इफ्तारी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। हर साल हमारे पास आते हैं, 8 साल। अच्छा, हर साल हमारे पास आते हैं। पाकिस्तान से आते हैं? पाकिस्तान के रांची। माशाल्लाह, आपकी वीडियो आ रही है चले वाली? जी जी जी, कोई हम मुझे बता दे। जी 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 जी, देखिए भाई माशाल्लाह ये साहब बैठे हैं, ये 8 साल से आ रहे हैं हर साल रमज़ान में। तो अल्लाह ताला, यहाँ पे आना जो है ना, यहाँ पे आना उससे नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, ये जो है ना वो लगन से तड़प से ये चीज़ होती है, और अजबाब अल्लाह ताला बनाने वाला है, वो अजबाब जो है ना वो बन जाते हैं। तो अगर आपके अंदर लगन होती है, जज्बा होता है, आपकी ख्वाहिश होती है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी बहुत लगन है, बहुत तड़प है, ख्वाहिश है, लेकिन वो नहीं आ पाते, तो रोज़े क़यामत वो कई कई हज और उम्रे का सवाब लिए खड़े होंगे। और बहुत से ऐसे होंगे जो हर साल भी आते होंगे, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला क्या वो मकबूल ना हो, तो अल्लाह ताला सबकी यहाँ पे हाजिरी कबूल फरमाए, और जो यहाँ नहीं आ सकते अल्लाह उनको भी यहाँ पे आने का अजर दे, अगर उनके दिल में वही लगन वही तड़प वही जज्बा मौजूद है तो। कहाँ से हैं आप? इंडिया से? अच्छा अच्छा अच्छा, देखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। जी 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 जी, महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई? अच्छा 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 अच्छा, ज़बरदस्त। आप इधर ही इसी सुपरे पे इफ्तार कर रहे हैं आज? मुस्तफा भाई के। जी 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 जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे भाई माशाल्लाह, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं भाई। वैसे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से, इंडिया से, माशाल्लाह पाकिस्तान से। देखिए मुझे वैसे तो लोग मिलते हैं, अपने शहर में भी मिलते हैं, दूसरे मुल्कों में मिलते हैं, लेकिन इस जगह पे जो लोगों के मोहब्बत मिलती है ना, इस जगह के ऊपर इसकी बात है। तो आपका रेडी सब्सक्राइबर हूं। ये देखिए भाई, ये बॉक्सेस होते हैं वो, और इन बॉक्सेस के अंदर ये एक पानी की बोतल है, एक दही है, खजूरें हैं, ये जो दुक्का होता है, ये जो है ना एक मसाला होता है चाट मसाला टाइप, ये दही में डाला जाता है। ये एक सेट पैटर्न है जो होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो इन बॉक्सेस के अंदर होती हैं, जूसेस वगैरह वो भी सर्व हो जाती हैं, और माशाल्लाह ये सीन होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में? अस्सलाम वालेकुम, सब खैर भाई? वहाँ पे तो दस्तरखान लग रहा है, इफ्तार में वहीं पे करूँगा, लेकिन ये दरवाजे के बाहर में चल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मनाजिर है, क्योंकि सब लोग जो है वो इफ्तार के लिए भी आ रहे हैं अंदर, और बेइंतहा माशाल्लाह खलकत है। अच्छा देखें, ये क्योंकि रास्ता है ना, यहाँ से लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो रास्ता के बिल्कुल क्लियर रखा गया है। यहाँ पे कोई दस्तरखान वगैरह नहीं है, क्योंकि सब लोग, ये बहुत ज़बरदस्त, ये मेन एंट्रेंस है एक तरह से समझें आप, यहाँ से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे रास्ते में तो कोई दस्तरखान नहीं है, लेकिन यहाँ कॉर्नर के अंदर जो है वो दस्तरखान लगे हुए। इस तरफ ये ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, वहाँ पर जो है वो मर्द बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी दस्तरखान का सिलसिला है माशाल्लाह। अब मैंने आज जैसा आपको बताया था ना, यहाँ पर ज़रा डिफरेंट तरह के बॉक्सेज़ हैं, ये वो बॉक्सेस नहीं हैं जो अंदर हैं, यहाँ पे ज़रा डिफरेंट तरह के बॉक्सेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? ये देखें, ये सब पकौड़े हैं, समोसे हैं, चटनियाँ हैं, ये कबाब है, खजूर है, फ्रूट चाट है, रोटी है, यहाँ पे कीनू भी है। तो यहाँ पे जो अफ्तारी हो रही है ना, क्योंकि देखें ये ज़रा चटनियाँ वटी है ना, लिक्विड वगैरह का आइटम, वो अगर अंदर होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी सफाई करने में मुश्किल होगी, तो ये बाहर बाउंड्री के बाहर जो है ना वो ज़रा बहुत ही अलग तरह की इफ्तार बहुत ऐसा है, हर तरह का होता है, अंदर ज़रा सादा सादा होती है, यहाँ पे आपको गंदी भी मिलेगी, चिकन भी मिलेगी, कुछ बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? रियाज़ुल जन्नत में आप लोगों से मुलाकात हुई थी? हाँ हाँ माशाल्लाह।
अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें भाई, जबरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे इफ्तारी का। ये इफ्तार जो है इसका मज़ा अलग है वैसे है। ये सही जगह आप लोग बैठे हैं, यहाँ से इफ्तारी की और फौरन अंदर मस्जिद के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। इस तरह से यहाँ पे खजूरें भी बांटते रहते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ लोग इफ्तार करा रहे होते हैं ना यहाँ पे, पॉकेट्स के अंदर जो है ना वो लोगों को असाइन होते हैं कि भाई हमारा दस्तरखान है, जिसका जो दस्तरखान होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह के आइटम होते हैं। तो आपको इसीलिए हर दस्तरखान पे बाहर की तरफ बाउंड्री के बाहर कुछ ना कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें जो है ना वो बाउंड्री के बाहर होती हैं। मज़ेदार वो भी होती है अंदर वाली, लेकिन ज़रा आप समझ रहे हैं ना वो ये वाला मॉल। चले मैं वापस चलता हूँ सुफरे की तरफ, कार में थोड़ा टाइम रह गया है और ये टाइम जो है ना वो दुआओं की कबूलियत का होता है। तो इस वक्त बैठ के ख़ास तौर पे अल्लाह की तरफ रुजू करके दुआएं करना चाहिए। तो हम भी वहाँ बैठते हैं अपनी जगह के ऊपर, कुछ जिक्र करते हैं, दुआएं करते हैं और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह दुआओं को कबूल भी करें। इस तरह से ख़वातीन के लिए गाड़ी भी चलती है बूढ़ों के लिए, जो उनको एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ देती है। और ये देखें अब ये पंखे लगे हुए होते हैं, इनमें से पानी की बौछार हर वक्त निकलती रहती है क्योंकि यहाँ पे मौसम होता है गर्म, और गर्मी के अंदर जब ये ठंडी ठंडी बौछार आपको पड़ती है तो जो है ना वो तरोताज़ा हो जाता है सब कुछ। माशाल्लाह यहाँ पे भी इफ्तारी जो है वो लग चुकी है भाई। ये देखें आप वही पैकेट्स, एक रोटी, जूस, ज़बरदस्त। ये है भाई मेरी इफ्तारी, ये एक लबन है, खजूरें हैं, ये ब्रेड है, और इस पैकेट में मैंने आप लोगों को दिखाया था इसमें ये जमजम है, और ये पानी एक अलग से जो है ना ये भी हमें दिया है इन्होंने, और ये जो दही है, खजूरें इसके अंदर भी हैं। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। ये भाई पकौड़े भी आ गए, वाह 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 वाह, इसको यहीं रख देते भाई। पकौड़े मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, पकौड़े भी मिल जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह देखिए पकौड़े भी मिल गए हैं। जिस चीज़ की ख्वाहिश करो वो मिल जाती है। अरे जूस भी आ गया भाई, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। इतनी सारी चीज़ें आ गई, ये खा भी सकेंगे कि नहीं? ये बाहर जो बॉक्सेस है ना, ये हकीकत है कि वो बाहर के बॉक्सेस में जो समोसे पकौड़े मुझे नज़र आए थे ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि वहीं बैठ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे बात थी इनसे एक चरंदो आए तो मैंने ये अफ्तारी यहीं पे करनी थी। लेकिन वो जो दिल की ख्वाहिश हो और वही आपको यहाँ मिल जाए, तो यहाँ के मामला इसी तरह होते हैं भाई, चाहे छोटा सा कोई पकौड़ा हो या चाहे कोई आपकी बड़ी सी ख्वाहिश हो, बस ये मामला होते हैं। बस मैं समझा नहीं सकता आपको। ये क्या चीज़ है? मीठी लस्सी। मीठी लस्सी भी आ गई भाई, वाह। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे है? सुभान अल्लाह। बिल्कुल पियेंगे यार, क्यों नहीं पियेंगे, यहाँ पे तो कोई भी चीज़ मिले उसको मना नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, ये जो इन्होंने लस्सी ला के यहाँ पे बांटी है ना, ये इस सुफरे के नहीं थे, इस दस्तरखान के नहीं थे, ये कोई बाहर से आके इन्होंने ऐसे ही बांट दी। तो अभी इब्राहिम भाई उनको यही समझा रहे थे कि यार ये यहाँ पे नहीं बांटो, ये अलाउड नहीं है, लेकिन लोग मोहब्बत में बना के लाते हैं और इस तरह की चीज़ें ये बांट देते हैं। तो इस तरह के आइटम जो ड्राई आइटम हो, जिनको सफाई करना आसान हो, वो सही रहता है, क्योंकि यहाँ पर लोग चल रहे फिर रहे, ये जो गिलास है ना ये गिर भी सकता है, जब गिर जाएगा तो ये कारपेट ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से ये चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन लोग मोहब्बत में फिर भी ला ला के बांट देते हैं। ये देखिए भाई, ये होता है दुक्का, ये एक मसाला होता है जो इस दही में डाला जाता है। ये एक इसमें टिश्यू पेपर रिफ्रेशर भी होता है जो आप तारी के बाद इस्तेमाल करें। लेकिन ये इसके अंदर खजूर भी जो है ना, उन्होंने वो वाली रखी है जो ड्राई है, जो ज़्यादा चिपक नहीं रही है सफाई के एतबार से। भाई ये बिल्कुल एंड टाइम पे इफ्तार के जो है ना वो कुछ और चीज़ें भी आ गई थी, जिसके अंदर ये फॉइल के अंदर
लिपटा हुआ जो है ना, ये चिकन टिक्का था रोटी के साथ, और यहाँ पे कुछ राइस जो है वो भी आ गए थे जो लोगों ने बांट दिए थे आके, तो एंड टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई थी। खैर मैंने वो नहीं खाई जानबूझ के। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गई है भाई, और अभी हम वहाँ से आए हैं सीधा, तो यहाँ पे ये आपको जो है ना कुछ स्टॉल्स नज़र आएंगे कंट्री वाइज। यहाँ पे स्टॉल्स बने हुए हैं टर्किश फूड का, ये बनाया हुआ है इन्होंने पूरा स्टॉल, एक पूरी फूड स्ट्रीट इन्होंने यहाँ पे ये बना दी है। और यहाँ से जब आप सीधा आगे जाएंगे तो उधर और ज़्यादा रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप बैठ के भी खा सकते हैं, तो वहाँ पे हम चलते हैं। लेकिन आप ये देखें, ये सऊदी फूड जो है वो यहाँ पे मिल रही है, मंदी वगैरह ये सारी चीज़ें, स्टेशनरी की शॉप है यहाँ पे, बुक्स वगैरह मिल रही हैं, इटालियन फूड, वाह ये भाई पिज़्ज़ा मिल रहा है यहाँ पे इटालियन। और यहाँ से आप आ जाएं, ये इंडोनेशियन फूड फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, इजिप्ट फूड, ये है इंडियन फूड, यहाँ पे अभी इंडियन फूड समोसे वगैरह इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए, अफ्रीकन फूड ये देखिए आप, सैंडविच सब है यहाँ पे, कुनाफा एंड अरेबिक कॉफ़ी ये देखिए आप, कॉफ़ी ज़बरदस्त ये सीन है भाई। यहाँ बनी हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम आए हैं सिर्फ चाय पीने के लिए, तो वहाँ जो बड़े सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और चाय पी लेते हैं, क्योंकि इफ्तार के बाद चाय ज़रूरी है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए जो है ना वो कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, किफ़ा स्पेशलिटी कॉफ़ी। इतनी लंबी क्यू लगी हुई है क्योंकि अभी इफ्तार करके सब निकले हैं, तो यहाँ पे सब जो है ना वो कॉफ़ी के लिए आए हुए हैं। बड़ा अच्छा बना दिया है इन्होंने, लेकिन ये लिखा हुआ है फ्रॉम मदीना टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के जो है ना वो स्टॉल्स हैं, यहाँ पे इंडोनेशियन खाने, अफगानी खाने, पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने, सीरियन, अरेबिक, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए अतबाक पाकिस्तान लिखा हुआ है, एशिया स्टेशन, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से जो है ना वो सारे ये बने हुए हैं। आइसक्रीम मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जूसेस मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे जूसेस मिल रहे हैं, यहाँ पे भी है समोसे वगैरह, ये सारा सीन है। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है ना वो ये आउटडोर सीटिंग है, कि यहाँ पे इन्होंने पूरा इतना ज़बरदस्त डाइनिंग एरिया बना दिया है कि लोग बैठें आराम से, चिल आउट करें, खाना खाएं, रिलैक्स करें, ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। ये मिल रहा है सऊदी कप्सा। यार चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, तो ये मुझे अलग से जो है ना वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ी देर में ईशा का भी टाइम होने वाला है, हम निकले थे असल में चाय पीने के लिए, तो हम पाकिस्तानी होटल पर ही ढूंढते हैं जाके चाय, ताकि चाय मिल जाए तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फिर हो सकता है ईशा के बाद यहीं कुछ खा लेंगे। ये एशिया स्टेशन मुझे लग रहा है कि ये इंडोनेशियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंडोनेशियन लोग बैठे हुए हैं, और उसके बराबर में ये अलबाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, एरियस से। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? शिकागो। शिकागो से? माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। यार चाय है? चाय है, चाय चाय चाहिए यार, दो चाय चाहिए। अच्छी वाली है धूप पत्ती? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी वाली खानदानी चाय। जी जी, मैं पाकिस्तान जाने वाला था अच्छा लास्ट ईयर दिसंबर में, और मैंने आपकी वीडियोस देख के सारे रेस्टोरेंट सेलेक्ट किए। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा, लेकिन एक्सरसाइज करके गया, खूब वेट वेट लूज करके। मैंने ये नोट किया कि आप भी खाते हैं लेकिन आपका वर्कआउट भी होता है। हाँ, साथ साथ वो करना पड़ता है ना थोड़ा सा। तो कैसे लगे आपको रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप गए? मेजॉरिटी वाज गुड, मेजॉरिटी। हां, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा, सही 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 जगह पे गए और खूब मजे से खाए। भाई एहसन भाई शिकागो से हमें मिल गए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि चाय इनकी तरफ से, तो थैंक यू सो मच। एंड सी यू इन शिकागो इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में सारे आपको पाकिस्तानी खाने मिल रहे हैं भाई। भाई चाय एहसन भाई की, थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चाय देखें भाई, आप ज़रा चेक करते हैं कैसी है चाय। टी बैग की चाय ज़्यादातर होती है, लेकिन भाई ने कहा है कि ख़ानदानी चाय है। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त चाय है भाई। और ये टी बैग वाली चाय नहीं है, ये जो है ना ये है वही
पका के बनाई गई है, मीठी भी मुनासिब है और पत्ती भी ओके है, ज़बरदस्त। यहाँ पे ये शारमा मिल रहा है, बहुत ही ह्यूज चिकन लगी हुई है यहाँ पे। क्या हाल है भाई, ठीक है? वेलकम। चाय बहुत मज़ेदार थी भाई, और अभी ईशा का टाइम होने वाला है, ईशा की नमाज़ पढ़ के हम जाएंगे कुछ खाना वाना खाने के लिए। अभी मस्जिद चलते हैं और तरावी पढ़ लेते हैं। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। तरावी ख़त्म हो गई है भाई, तरावी पढ़ के हम निकल रहे हैं, और आप ये देखें कितना हुजूम है जो अभी ये निकल रहा है मस्जिद से नमाज़ पढ़ के। भाई जी 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 जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से? इंडिया से? कराची से? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपकी रेगुलर वीडियोस देखते हैं? अच्छा, ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आपसे मुलाकात हो गई। थैंक यू। दुआ में के रसूल के घर में। अरे बस यही तो बात है, यही तो असल बात है। ज़ौक है ना, ज़ौक में ज़ौक आ गया ये। सुभानअल्लाह, क्या खूब कहा है कि मज़े को भी मज़ा आ गया। वाह 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 वाह, आपकी मोहब्बत है, बस दुआ में याद रखे। ये मोहब्बत है भाई लोगों की। और अभी मस्जिद से निकल के हम चलते हैं, ज़रा कुछ खाना खा लेते हैं, और जो हमारा खाना होता है ना वही हमारी सहरी भी होती है। सहरी में हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं, बस हम दूध या लस्सी वगैरह खाना, लेकिन हम ज़रा सही से खा लेते हैं भाई। तरावी के बाद सोचा तो हमने यही था कि वो जो नए रेस्टोरेंट बने हैं वहाँ पर खाना खाएँ, लेकिन अदील भाई आए हैं 10 साल के बाद और यहाँ पर आएँ और अलबेक ना खाएँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मदीने में दिन कम है, मक्का में मिलता है तो वो नगेट मिलता है हरम के आसपास। तो भाई चले। बड़ी मुश्किलों से बोला है इन्होंने, बोलना बोलना चाहते नहीं है ये वीडियो के अंदर। भाई अलबैग के रास्ते में जाते जाते हमें यहाँ पे गाड़ी देख के रुक गए आमिर भाई। आमिर भाई ना, आमिर यूनुस भाई, माशाल्लाह मदीना में होते हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह का है, आपको कुछ चक्कर ना आपकी जाने के लिए। आमीन आमीन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आ गया भाई सामने अलबैग। माशाल्लाह आदिल भाई, रश देख रहे हैं आप? ये लाइंस लगी हुई हैं, यहाँ से लोग निकलेंगे तो फिर वो अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा हमें। लेट अगर आप आए ना 12:30-1 बजे तो फिर थोड़ा इतनी लंबी लंबी लाइंस नहीं होती। चलो भाई अपना नंबर आ गया। लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन जो है ना वो रश होता है, लेकिन जल्दी जल्दी लोग निकलते रहते हैं। यार जितना फास्ट किचन ये है ना, जितनी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है उतनी मैंने और कहीं देखी नहीं है भाई। टू स्पाइसी ब्रोस्ट एंड 1 फिश फिलेट। कामयाबी। ये मेरा नंबर है 106 और अभी चल रहा है 16 नंबर, लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं के फौरन ही जो है ना हमारा नंबर भी आ जाएगा थोड़ा सी देर में। ब्रदर क्या बात है, क्या बात है, अबे बे, ये एनर्जी दे गए आप यार। वाह यार, वाह वाह वाह, ये जो है ना ये मंजर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, क्या सीन है यार। ये हो भी गया भाई, ऑर्डर आ भी गया हमारा, ये देखो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू अदील ब्रदर, ये लो मेरे भाई, ये लो जीले अपनी जिंदगी, सिमरन जीले। देखो भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए भी खा रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए खा रहे हैं, हम कहाँ बैठ के खाते हैं, अभी जरा जगह ढूंढते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने लिए हैं 2 ब्रोस्ट स्पाइसी जो कि इनके ट्रेडिशनल होते हैं, और साथ में हमने फ़िश फिले भी लिया है, ये होते हैं इनके सॉसेस। ये है भाई फ़िश फिले, ये आप ले फ़िश फिले, और ये थोड़ा सा सॉस में डिप करना ज़रूरी है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़िश फिले ना, ये मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया, चिकन ही ट्राई किया इनकी पहले। अच्छा है, मज़ेदार है, लेकिन जिस तरह इनके नगेट्स होते हैं ना उसी तरह का टेस्ट आया, जो फ़िश का ओरिजिनल जायका आता है वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा, ज़्यादा नगेट्स की तरफ ज़्यादा जाता हुआ लग रहा है।
क्योंकि फ़िश का जो है ना वो एक अपना टेस्ट होता है, ट्राई करने के लिए अच्छा है। मेन जो है ना वो तो वाइट चिकन ही है। ओए होए वाह, ये है गेम, ये चीज़ मेरे और इतने जूसी टेंडर चिकन होती है ये। इतना जो रश है ना यार, वो कोई वजह है कि रश है, वो इसका टेस्ट है ना। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी कोशिश की है कि इसके करीब करीब चले जाए, तो वो करीब करीब तो जा सकते हैं, लेकिन मैच करना नामुमकिन है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, बेहतरीन। अनिल भाई कैसा लगा आपको 10 साल बाद खा के? बहुत ज़बरदस्त है, हैं बेहतरीन। शॉर्ट चिकन बहुत ज़बरदस्त। ज़्यादा फिश अच्छी लगी या चिकन? मुझे इसकी फिश पसंद है, इसलिए फिश अच्छी लगी। नहीं यार, अच्छा। फिश पहले और कब खाई? जब 2013 में आए थे। जब आए थे? जबकि फिश याद है? जबकि याद। वाह यार, चीता लड़का ही। और खाना तो अच्छा है ही, लेकिन ये जो पार्क बना हुआ है ना यहाँ पे, ये शायद पहले नहीं था या हमारी नज़र से नहीं गुजरा। इस पार्क में बैठ के बाकी सब लोग भी खाना खा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मदीना मुनव्वरा की का जो सुकून है उसकी तो बात ही अलग है। हम अभी खाना फिनिश करते हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अलबैक देख के आप लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा है, तो भाई माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ पर लेकर आए, आप इबादत भी करें और अलबैक भी खाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।